अभी कुछ ही सालों पहले इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भविष्य में ह्यूमन सिविलाइजेशन क्रम्बल कर सकती है अगर लोग इसी तरह कम बच्चे पैदा करते रहे तो। उनके अनुसार दुनिया भर में अंडर पॉपुलेशन क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी है। इलॉन मस्क की ये चेतावनी इटली के संदर्भ में बिल्कुल सटीक साबित होती दिख रही है। इटली इस वक्त भयंकर डेमोग्राफिक क्राइसिस का शिकार है। इस देश की जनसंख्या साल दर साल तेजी से कम होती जा रही है। ताजा आंकड़े बताते हैं, पिछले साल इटली की कुल जनसंख्या 58.9 मिलियन थी, जो कि इस साल 0.29% यानी न्यूमेरिकली 7,000 से घट गई है। ये पॉपुलेशन डिक्लाइन पिछले एक दशक से भी ज्यादा से ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। इस पॉपुलेशन कोलैप्स का सबसे मुख्य कारण है इटली में तेजी से गिरता हुआ फर्टिलिटी रेट। पिछले 15 सालों में यहाँ क्यूमुलेटिवली टोटल चाइल्ड बर्थ्स में एक तिहाई से भी ज्यादा की कमी आई है। साल 2023 में इटली में कुल 3,79,000 बच्चे पैदा हुए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 3.6% यानी न्यूमेरिकली 14,000 कम थे। अनुमानित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि ये डिक्लाइन भविष्य में और बढ़ने वाला है। जानकारों ने इसको डेमोग्राफिक विंटर का नाम दिया है। डेमोग्राफिक क्राइसिस की इस समस्या से वेस्टर्न यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हैं, लेकिन इटली में ये समस्या एक भयंकर रूप ले चुकी है। अपनी जनसंख्या स्तर को बनाए रखने के लिए किसी भी देश का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 पर होना चाहिए, लेकिन इटली में करंट फर्टिलिटी रेट इसके लगभग आधा यानी 1.19 पर है। डेमोग्राफर फ्रांसेस्को बिलारी के अनुसार इस समस्या का एकमात्र उपाय है रिप्लेसमेंट लेवल बर्थ रेट 2.1 को अचीव करना। यानी जब इटली में महिलाएं औसतन 2 से अधिक बच्चे पैदा करेंगी, तब जाकर इस डेमोग्राफिक कोलैप्स से बचा जा सकता है। कम बच्चे पैदा होने के कारण इटली यूरोप की सबसे बूढ़ी कंट्री बन गई है। यहाँ की एवरेज पॉपुलेशन एज करीब 47 ईयर है। यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के मुताबिक जापान के बाद सबसे ज्यादा एल्डरली पॉपुलेशन इटली में है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन के करीब 24% लोग 65 साल या उससे ऊपर के हैं। कुछ सालों पहले रिलीज हुई इटालियन कॉमेडी मूवी फिगली में दिखाया गया था कि कैसे एक वेल टू डू कपल जब दूसरी बार पेरेंट बनते हैं तो उनके जीवन में कितनी परेशानियां बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी मूवीज से भी इटालियंस में थोड़ा ही सही पर दूसरा बच्चा ना करने को लेकर एक परसेप्शन बन गया है। हालांकि इटालियन सरकार इस समस्या से लड़ने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। साल 2021 से ही इटालियन माओं को मिलने वाले मंथली चाइल्ड अलाउंसेस को बढ़ा दिया गया है। साथ ही 2 या 2 से ज्यादा बच्चे करने पर इटालियन महिलाओं के लिए 3,000 यूरो तक की टैक्स रिबेट का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा भी इटालियन सरकार द्वारा 200 बिलियन यूरो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करने की योजना है। वैसे विडंबना इस बात की है कि करंट इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मिलोनी खुद भी सिर्फ एक ही बच्चे की माँ है। इटली की इस पॉपुलेशन कोलैप्स की समस्या को लेकर आपकी क्या राय है और क्या भारत भी भविष्य में इस समस्या का सामना करने वाला है? कमेंट कर बताइए हमें अपनी राय। धन्यवाद।